सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग तलहा। गुड मॉर्निंग टू यू टू, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन हु इज वाचिंग। और आज बड़ा कमाल शो सुना आप लेकर आएंगे। बिल्कुल, आज हम कमाल शो भी लेके आए हैं आपके लिए। और जिस तरह की कल रात, आधी रात को मैं कहूँ, क्योंकि तकरीबन 12:50 पे काफ़ी सिचुएशन हुई थी कि खान साहब का हमने बहुत सुना कि उनका इंटरव्यू को जिस तरह से बताया गया, और खान साहब ने आज रात को नींद सही नहीं आई आपको? नहीं, नींद सही अब नहीं, मैं तो सो गई थी। मैंने सुबह उठ के जब न्यूज़ चेक किया, मैंने सोशल मीडिया चेक किया, सबके सबके व्हाट्सएप आए हुए होते हैं ना तलहा, आजकल तो यही होता है, सोशल मीडिया जिंदाबाद। आप चाहे सो जाएँ, आप कितने बिजी क्यों ना हो, लेकिन जब भी अपना मोबाइल हाथ में उठाते हैं ना, आप अपनी तमाम जो जितनी भी अपडेट्स होती है ना, उससे आप अप टू डेट हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं वर्दा, जो ट्रस्ट मी न्यूज की तरफ देखते नहीं है, खबरें सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं है, और वो दुनिया से बिल्कुल ला इल्म होके अपनी एक दुनिया में बड़ी सुकून की जिंदगी जी रहे होते हैं। वो लोग होते हैं जो कहते हैं जी कुछ भी हो, खली वल्ली, हम अपनी जिंदगी इंजॉय करेंगे, हमें क्या करना टेंशन लेने से, जो होगा देखा जाएगा, जो होना है वही होना है, टेंशन लेके हमें कौन सा कुछ चेंज करना है। लेकिन खान साहब के बयान ने काफी लोगों को परेशान किया, रातों की नींद भी काफी लोगों की उड़ गई है, और यकीनन स्टेटमेंट भी ऐसा था जिसको कंट्रोवर्शियल बनाया भी गया। राई होती है, राई का पहाड़ बनाया जाता है, इसी तरह कुछ लोग इश्यूज भी बना रहे हैं इसके। लेकिन मैटर ऑफ द फैक्ट इज, इंसान को हकीकत पसंद, रियालिटी से करीब होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकता है। अगर हम पाकिस्तानी मिनहसल कौम रियालिटी से करीब आ जाए, और किसी को होली का होना समझेगा, यार इसके बारे में बात की तो पकड़े जाओगे, इसके बारे में बात की तो बंद हो जाओगे, हक के बारे में बात की तो तुम्हें बंद कर दिया जाएगा। तो हमेशा सच और हक का साथ दें, मुल्क की तरक्की जरूर होगी, ये मुझे पूरा यकीन है। तलहा, हम यही इस चीज़ को हमेशा प्रोवोक करते हैं, खासतौर जब जर्नलिज्म में पढ़ाया जाता है कि हम हमेशा यही बात करते हैं कि आपको बायस नहीं होना, आपने हक और सच की बात करनी। ये एक बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, इसको प्लीज़, जिसे कहते हैं ना कि हम जिसे लिफाफा सहाफ़ी मशहूर हो गए हैं बहुत से लोग, ये चीज़ ना होने से लोगों का भरोसा एतमाद उड़ जाता है। और यही चीज़ अब हमें देखने को ही मिल रही है तलहा, जिसका जो दिल चाह रहा है अपने हिसाब से चीज़ों को, बातों को, लफ्ज़ों को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से पेश करें, तो बराए मेहरबानी ऐसा ना करें। जो हक की बात है, जो सच की बात है, वो दिखाएं, सच और हक के साथ खड़े ऑन दिस पॉइंट। मैं बताऊं अपने व्यूअर्स को कि आज का शो बड़ा कूल है, बड़ा अच्छा है, क्योंकि हम आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान के एक बेहतरीन डॉक्टर से, जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, साथ साथ एक ऐसे बच्चे से जिसने किसी की जान बचाई, अपनी जान, ऐसे हीरो से जिसने किसी की जान बचाई, अपनी जान खतरे में डालकर। और भी बहुत कुछ होगा, डिस्कस करेंगे नेशनल पॉलिटिक्स को भी, इकोनॉमी को भी, लेकिन पहले बड़ी खबर। पाकिस्तान को दुश्मनों से बहुत खतरा है, फैसला ना किया तो तबाही की तरफ जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान के समी इब्राहिम को इंटरव्यू ने तहलका मचा दिया, कप्तान का पैगाम गहरा है, समझने की जरूरत है। हीरोज पैदा नहीं होते, मुश्किल हालात में लिए गए दिलेर फैसले किसी आम आदमी को हीरो बना देते हैं। कराची IBA के धमाके में गैर मुल्की की जान बचाने वाले नौजवान हीरो से मुलाकात करवाएंगे आपकी। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, पाकिस्तानी डॉक्टर जुल्फिकार भुट्टा की खिदमात का आलमी सतह पर एतराफ, कनाडा ने गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से नवाजा। और गली क्रिकेट की आलमी सतह पर पजीराई का वक्त आ गया, कराची में इंटरनेशनल टेप बॉल टूर्नामेंट की तैयारियां, भारत इंग्लैंड समेत 16 ममालिक की गलियों की टीमें आ रही हैं, टेप बॉल फैंस के लिए बड़ा लम्हा है। गली वर्ल्ड कप होने जा रहा है, और यकीनन आपने कभी क्रिकेट खेली है? बचपन में कभी खेली है, लेकिन हमेशा बैटिंग करती थी, बॉलिंग करना आती नहीं। हार्ड बॉल, टेप बॉल। आप तो ऐसे कह रहे थे, पता नहीं, बड़ी प्रोफेशनल हूँ मैं तो, लड़कों वाली क्रिकेट भी नहीं खेलती थी, टेप बॉल से ही खेली है। मैंने कहा शायद खाना बनाने में इतनी प्रोफेशनल है, क्रिकेट में भी हूँ। कोशिश की थी, इसलिए मैंने पहले ही मेंशन कर दिया, सिर्फ बैटिंग करती थी और चीटिंग करके करती थी, बॉलिंग कभी नहीं करती थी। बात करेंगे क्रिकेट की आगे चल के, लेकिन इस वक्त जो नेशनल इशू है वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में साबिक वजीर आजम इमरान खान के गुज़श्ता रात को जो इंटरव्यू, गुज़श्ता रोज जो इंटरव्यू चला बोल न्यूज़ पर, उसके बाद तहलका मच गया। खान साहब के एक बयान को बहुत गलत जाविये से देखा जा रहा है, जबकि उनका बयान इंतहाई हकीकत पसंदाना था। रियलिटी अगर आप वर्दा देखें तो बचपन से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में 99% जोक्स डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं, यानी सिंधी पे होंगे, पठान पे होंगे, बलोची पे होंगे, पंजाबी पे होंगे। हम लोग जब बाहर ट्रैवल करते हैं, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ा है, दिल पे बड़ा पत्थर रख के, जब हम बाहर ट्रैवल करते हैं वर्दा, तो
तो हम सिंधी बोलते हैं अपने आप को, पंजाबी बोलते हैं, बलोची बोलते हैं, वजह क्या है? आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। आप दुबई में रही हैं, दुबई में आपने कितने लड़कों को ऐसी टोपियां पहने हुए देखा है जैसे बलूची लिखा होता है? हाँ जी, वो अपने आप को बलोच बोलते हैं वहाँ पे, पाकिस्तानी नहीं बोलते हैं, पठान भी अपने आप को पठान बोलते हैं। सैडली हम एक कौम नहीं बने, हम ये बार बार मैं बात अपने शो में करता हूँ कि हम हुजूम हैं, हम एक नेशन बनने की जरूरत है, हम यूनाइट नहीं हुए हैं। हम बाहर जाके फखर से नहीं कहते हम पाकिस्तानी, जब कोई सामने को बड़ी पार्टी आ जाती है हम अऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह माज़ल्लाह ये भी कह देते हैं हम इंडियन है। सैडली दीज आर द स्टेट ऑफ अफेयर्स। नहीं तला, मैं इसी से अग्री नहीं करूंगी कि हमने ये कभी बाहर मुल्कों में स्पेशली जो लोग ओवरसीज रहते हैं उन्होंने ये कभी एक्सेप्ट किया हो कि हम इंडियन हैं, वो कभी भी ये चीज नहीं कहेंगे। ओवरसीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उन लोगों की बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान से ट्रैवल करते हैं, जो बड़ी मुश्किल में होते हैं। आपने दुबई में वक्त गुजारा है, आपने लेबर कैंप्स में, आपके ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ी अच्छी जिंदगी, लेबर कैंप्स में जो लोग होते हैं बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारते हैं। लेबर कैंप्स में भी देखा है तला, मैं लेबर कैंप्स में भी लाइफ लोगों की देखी है, बहुत डिफिकल्ट लाइफ होती है, लेकिन तब भी हम ये चीज एक्सेप्ट नहीं करते कि हम अगर ये बात कहें कि जी नहीं हम इंडियन है, हाँ हम पाकिस्तानी है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगी कि इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने, अब हमारी पूरी आवाम को एक कौम बना दिया है, जो पाकिस्तानी जिसे हम कह रहे हैं, जिसमें हम डिवाइड करते थे, टिकट करते थे कि पंजाबी हैं, पठान हैं, हम सराई के हैं। आपने दुबई में पाकिस्तान की टोपी देखी है? अब हम देखें, अब आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टोपी नजर आती है, क्योंकि हम सब खुशी से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी है। ये सब पाकिस्तान, यही तो वजह है, क्योंकि एक कौम बने ही नहीं, हम कभी एक कौम बने ही नहीं, जब भी तो। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि अब हम एक कौम बन गए हैं, अब किसी ने तफरीक नहीं की कि जी मैं पठान हूँ, मैं पंजाबी हूँ, तो मैं बाहर बन गए कौम। हम अब मुझे लगता है कि एक कौम बन गए हैं, जब भी हम लगता है, ये भी बताइए आपको ये पता है, क्योंकि अब यही जो सियासी सूरत हाल चल रही है, उसमें जो सिचुएशन चल रही है, कुछ लोग पूरी कौम एक तरफ हो गई है, जल से और इमरान खान की सपोर्ट इतनी बढ़ गई है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में निकल रहे हैं, इसलिए लोग एक कौम बन गए, लोगों को आवाम को सही और गलत में फर्क पता चल गया, लोग तकफीक करना शुरू हो गए, खुल के इस बारे में बात कर रहे हैं। पहले पॉलिटिक्स के बारे में मेजोरिटी लोगों को नहीं पता था, अब हमारी यूथ जाग गई, हमारे यूथ को पता है, यूथ को क्या, बच्चे बच्चे को पता है, बच्चे बूढ़े बड़े सब इस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस चीज में आगे बढ़ने और खुल के अपना इजहार करें। मेरी नजर में, आपके ओपिनियन की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मेरी नजर में हम मुनाफिकत के बिल्कुल अलमबरदार बने हुए हैं, हम डबल स्टैंडर्ड्स पे जिंदगी गुजारते हैं, अपने लिए कोई और रूल रखते हैं, सोसाइटी के लिए कोई और रूल रखते हैं, अपने गरेबान में झांकने का किसी को कोई शौक नहीं है, दूसरों पर उंगलियां उठाने का सबको शौक है। जब तक हम खुद अपने आप को सही नहीं करेंगे हम पाकिस्तानी नहीं बनेंगे, अपने घर को पहले सही करें फिर मुल्क सही होगा। अगली तरह, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कहूंगी कि पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, मेजॉरिटी, वी ऑलवेज स्पीक अबाउट द मेजॉरिटी, वी ऑलवेज स्पीक अबाउट द मेजॉरिटी, एग्जैक्टली। लेकिन अब इतना मैं नहीं कहूंगी कि हाँ कुछ लोग हैं, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपकी बात से, लेकिन मैं डिसएग्री भी करती हूँ कि तमाम लोगों को हम एक ही थाली में नहीं गिन सकते। रियलिस्टिक अप्रोच, हमेशा इंसान को हकीकत पसंदाना अपना रवैया अख्तियार करना चाहिए और सोच अख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रियलिटी से दूर होंगे तो आप ख्वाब खरगोश में होंगे, आप हकीकत से बहुत दूर होंगे, यानी आपकी ज़िंदगी कुछ और होगी और आपके ख्वाब कुछ और होंगे, लेकिन आप नहीं जानते आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें तो हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान पहले भी टूट चुका है, हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान में कितनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं, हमें याद रखना चाहिए दुश्मन की एक देरीना ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के टुकड़े हों, लेकिन हमें मिनहसल कौम एज ए पाकिस्तानी सोचना चाहिए कि हमारा क्या किरदार होना चाहिए, हाउ शुड वी रिएक्ट, हाउ शुड वी यूनाइट, हमें किस तरह एक होना है, किस तरह अपनी फौज का साथ देना है, किस तरह अपने इदारों के साथ खड़े होना है, क्योंकि यकीनन हम ये जानते हैं कि फौज ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं किसी ने नहीं दी हैं, और फौज का सबसे ज़्यादा इस वक्त स्टेक पे जो है वो फौज पाकिस्तान का है, हमारे इदारों का है, अदालतों का है, सियासतदानों का है, जमहूरियत का है, लेकिन हमें एज अ नेशन सोचना होगा। हमेशा से कहते हैं कि मुश्किल वक्त है, खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक हीरो की। हीरो पैदा नहीं होते हैं, वाकयात, हालात, उनके ख़ानदान, उनकी पेरेंटिंग, उनकी तरबियत, उनकी परवरिश उनको हीरो बनाती है। ऐसा ही एक हीरो वो भी था, नौजवान जिसने अपनी जान खतरे में डालकर किसी और की जान बचाई। बहुत मुश्किल होता है कभी ऐसी सिचुएशन में, अगर हम में से कोई आम आदमी गुजरे तो बड़ा दिल पर पत्थर रखना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि क्या शुड आई रिस्क माई लाइफ फॉर दिस पर्सन और नॉट। इसीलिए आपको मिलवाएंगे अली सुहेब, हीरो हैं पाकिस्तान के, जिसने आईबीए धमाके के बाद इस तरह कदम बढ़ाए जहां से लोग दूर भाग जाते हैं, यानी वही जो मैंने कहा कि अपनी जान खतरे में डाली किसी की जान बचाने के लिए। अमूमन हम देखते हैं कि जब हम घर में ही चूल्हे पे काम कर रहे होते हैं या कहीं भी आग की तपिश हम देखते हैं तो हम वैसे ही अपना हाथ पीछे कर लेते हैं या खुद को पीछे हटा लेते हैं इस डर से, इस खौफ से कि इस आग की जद में हम भी आ सकते हैं। और जिस तरह से ये आग लगी हुई थी गाड़ी में, जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ था गाड़ी में, दोबारा भी ब्लास्ट हो सकता था, लेकिन इतनी दिलेरी से अली सुहेब ने इसका मुकाबला किया, सामना किया और रेस्क्यू किया वहाँ के लोगों को, तो बाकी
की कहानी हम जानेंगे खुद अली सोहेब से। तो आइए वेलकम करते हैं अली सोहेब को। अली सोहेब अस्सलाम वालेकुम। और अली सोहेब के साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो एंड हैट्स ऑफ टू यू। आप हमारे लिए एक बेहतरीन मिसाल हैं। पहले मुझे ये बताइए, इतनी ख़तरनाक, इतनी खौफनाक आग थी, आपको ज़रा सा भी डर नहीं लगा? क्या आया उस वक्त आपके जहन में, पहली चीज़ जो आप बग़ैर सोचे समझे कूद पड़े और आपने रेस्क्यू किया वहाँ लोगों को? मैं स्काउट्स भी रहा हूँ, ठीक है, और स्काउटिंग के हवाले से बहुत सारी हमारी ट्रेनिंग्स हुई हैं। रिसेंटली मैंने रेड क्रॉस से फर्स्ट एड ट्रेनिंग की थी। तो जो स्काउटिंग के अंदर हमारी ट्रेनिंग्स होती थी, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा सुसाइड अटैक्स वगैरह हुआ करते थे। तो हम लोगों को मेंटली हम लोग इस चीज़ के लिए रेडी रहते हैं कि अगर कोई इस तरह का वाकया हो या कुछ भी हो तो हमें उसको रोकना है। सही, ठीक है। इमाम स्काउट से मेरा ताल्लुक रहा है, सिंध बॉय स्काउट से रजिस्टर्ड है। ये वाकया भी जब हुआ था तो मेरी ट्रेनिंग हो चुकी थी और मुझे ये था कि यार जैसी धमाका हुआ वहाँ पहुँचना है। उसी रोड पर था मैं, 30 से 35 सेकेंड में पहुँच गया था। और फिर जो भी हमारे प्रिकॉशंस थे उनको मद्देनजर रखते हुए खुद वहाँ पे आए थे। जब आपने धमाके के बारे में सुना था या इंसिडेंटली आप वहाँ से गुजर रहे थे? नहीं, मैं सामने ही था, उसी रोड पर था। मुझे सेमेस्टर सेल जाना था, हमारे कोर्सेज कंप्लीट हो गए थे। ठीक। इत्तफाक से मैं यूनिवर्सिटी चले गया था, मुझे सेमेस्टर सेल जाना था अपना परफॉर्मर लेने। मैं उसी रोड पर मौजूद था, बस खड़ा हुआ बात ही कर रहा था। तो उसी रोड पर सामने मैं फार्मेसी के पास था पार्किंग में, और ये आई बी के पास कन्फ्यूशन के नीचे ब्लास्ट हो गया। सही। तो बाइक थी मेरे पास, तकरीबन 30 सेकंड में 35 में वहाँ पहुँच गया हूँ। ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, इससे कम में पहुँच गया था। सही। तो हालात वहाँ पर ये थे कि वो रेंजर्स के दो ज़ख्मी थे जो थे, और बाकी फिर आगे जाकर चाइनीज़ को रेस्क्यू किया और इस तरह से तमाम। तो जिस वक्त आपने, अच्छा आप मुझे बताएं कि आपने इनको ट्रेनिंग दी, बल्कि आप तो सबको ट्रेनिंग देते हैं, आप रेड क्रिसेंट से भी हैं, आप बताएँ कि क्या ज़रूरी है? देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज एक अली सोहेब है, कल 10,000 अली सोहेब बनाने हैं। प्रॉब्लम ये है कि वी आर गिविंग सच ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग कि इन केस ऑफ द इमरजेंसी कोई बम ब्लास्टिंग हो, बिफोर अराइवल टू डॉक्टर इन हॉस्पिटल, हाउ टू मैनेज द क्रिटिकल टाइप ऑफ पीस इस बच्चे के अंदर। और ऐसे हज़ार बच्चियों और बच्चों को हमने ट्रेन किया है कि जो मल्टीपल टाइप, हार्ट अटैक हो, फ्रैक्चर हो, बुलेट केस हो, एक्सीडेंट हो, ब्लीडिंग हो, दे कैन मैनेज। कोई चीज़ नहीं है अवेलेबल रिसोर्सेज ये बच्चा, अगर यहाँ क्रिटिकल टाइप सिचुएशन हो जाए तो ये बच्चा आपके यहाँ पे जो इस रूम के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो एज अ डॉक्टर की तरह उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे हज़ार चीज़ें हैं जिससे मैं ख़तरनाक से ख़तरनाक इमरजेंसी को हैंडल कर सकता हूँ। जब हमने कराची यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग दी तो इस टाइप के बच्चों और बच्चों को हमारी ईगल आई होती है, वी कैन पिक। हमने इनको पिक किया और इनको एज अ फॉर टीम, फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम, जो पाकिस्तान में पहली टीम है जो रेड क्रॉस रेड क्रेसेंट सोसाइटी ने बनाई, जो रोडों में, बिल्डिंगों में, कहीं भी हो, ये 500 लोगों को मैनेज कर सकते हैं। 500 लोगों को। तो अली मुझे आप बताएं कि जब आपने देखा कि आग भड़क रही है और दोबारा भी ब्लास्ट हो सकता था गाड़ी में, क्योंकि पेट्रोल होता है, 10 चीज़ें होती हैं, तो आपने सबसे पहले क्या किया कि आपने उनको बाहर निकाला या उसी गाड़ी के पास ही आपने उनको रेस्क्यू किया? किस तरह से पहले क्या एकदम से आपने स्टेप लिया? अब देखिए, हम लोग सबसे पहले तो हमारी अपनी सेफ्टी फर्स्ट होती है। तो मैंने डायरेक्शन ही वो चूज़ की थी कि मैं अगर सेकेंड ब्लास्ट होता तो मैं उसमें सेफ रहूँ। इस तरफ से बॉल बैरिंग क्रॉस हुए थे तो इसी साइड पर ब्लास्ट हुआ था, तो मैंने ये वाली साइड चूज़ की थी, अपोजिट साइड उसकी, बिल्कुल उसकी अपोजिट साइड चूज़ की थी। और मैं लीन था, डाउन था बॉडी से, सही। गाड़ी से नीचे बैठकर मैंने उसको, चाइनीज़ जो टीचर थे हमारे पास ही में पास पड़े हुए थे, सही। उनको मैंने नीचे ही रहकर प्रेशर बैंडेज की, क्योंकि उनका ब्लड बहुत ज़्यादा बह रहा था। 6 लीटर ब्लड होता है, 1.5 आप लॉस कर दे आपकी डेथ हो सकती है। एम्बुलेंस भी हमारी तकरीबन 15 से 17 मिनट के बाद आई थी। फिर वो सारी ट्रैवलिंग यूनिवर्सिटी से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल, फिर ब्लड क्रॉस मैच करना उसमें सारा। आपने कहा आपने उनको प्रेशर बैंडेज दी, तो ये कहाँ से दी, आपके पास वो थी? हाँ जी, हमारे पास एक ट्रायंगल टाइप की बैंडेज होती है, हर वक्त हम अपने बैग में रखते हैं। जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी उसी टाइम हमें बताया गया था, रुमाल टाइप का। तो एक सिर्फ बैंडेज ही एक होती है आपके पास, पूरी फर्स्ट एड किट होती है आपके पास? अब तो पूरी फर्स्ट एड किट है। उस दिन इतफाक से बस मेरी बैड लगती है क्या थी कि अपना बॉक्स घर छोड़ के गया था। लेकिन इनके पास इतनी स्किल्स है कि ये जो बंदे के जिस्म पे कपड़े हैं या अपने बॉडी पे जो कपड़े हैं उससे तमाम तरह उन कैजुअलिटीज़ को हैंडल कर सकते हैं। फर्स्ट हम ये देते हैं असेसमेंट, प्लानिंग और इम्प्लीमेंट रैपिड कि मुझे इस हाल में क्या करना है, जायज़ा लेता है, तैयारी करते हैं एंड देन वो उनको मैनेज। तो मुझे कुछ बेसिक्स बताएं कि अगर खुदा ना खास स्पेशली हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, अभी हमने एक कॉन्सर्ट में भी देखा परसों कि किस तरह से उनकी डेथ हो गई थी, नहीं बताते, तो अगर आपको एकदम से अचानक से हार्ट अटैक आ जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, इसके तीन चीज़ें मैं बताता हूँ कि हार्ट अटैक के कंडीशन में क्या कर सकते हैं। हार्ट अटैक में एक बहुत छोटा सा काम है, हार्ट अटैक के साइन एंड सिम्टम होते हैं, शदीद पेन होता है, आगे पीछे होता है, चेस्ट पेन होता है, बहुत ज़्यादा वो इरीटेट होता है,
आप उसके सिर्फ डब्लू पोजीशन बना दें, डब्ल्यू पोजीशन, यानी उसको कूलो के हैं उसके टांगे थोड़ा सा फोल्ड करें और पीछे थोड़ा सा हार दें। अब क्या होगा कि ये हार्ट अटैक के उस खतरनाक जमरे से बच जाएगा। दे टेक टाइम, जब तक हॉस्पिटल पहुंचेगा वो मौत की तरफ कभी नहीं जाएगा। एंड देन हम कहते हैं कि एस्प्रिन एक टैबलेट है, च्यूएबल टैबलेट होती है, इनके साथ बॉक्स में होती है। आप जैसे ही होते हैं आप उनको च्यूएबल वो टैबलेट दो, डब्लू पोजीशन बना दो, इंशाल्लाह वो सेफ कंडीशन में हॉस्पिटल पहुंचे। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता, और ये हम सबको पता होनी चाहिए। एक तो इमरजेंसी में आप फर्स्ट एड कैसे दें, किसी के साथ भी हो सकता है, खुदा ना खासा किसी के साथ कुछ घर में हादसा हो सकता है। हार्ट अटैक तो बहुत ही कॉमन चीज़ है हमारे यहाँ, हर किसी को, दूसरे बंदे को हम सुनने में आता है कि सडनली हार्ट अटैक हो गया। ऐसी बहुत सी बेसिक चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, हम सीखेंगे भी आज लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है, और ब्रेक पे हम बात कर रहे थे अली से कि जिस वक्त वो सिचुएशन में थे, अली खुद भी ज़ख्मी हुए थे और जिस तरह से ये बता रहे हैं कि बॉल बेयरिंग क्रॉस कर चुके थे। अली थोड़ा सा प्लीज़ मुझे जल्दी से क्विकली बताइएगा उस वक्त कि आपने किस तरह डिसीजन लिया, आप खुद भी ज़ख्मी हुए थे और फिर किस तरह से आपने उसको आग को बुझाने की कोशिश की। हाँ, बस इस तरह से था कि जब मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ तो मैंने आपको बताया कि मैंने डायरेक्शन जो सेलेक्ट की थी वो अपोजिट साइड की थी, क्योंकि सेकेंड ग्लास भी हो सकता था। मुझे देख के अंदाज़ा हो गया था कि ये जो है वो सीएनजी किट या ऐसा कोई फटी नहीं है कि गाड़ी से बॉल बेयरिंग क्रॉस हुए हुए थे। तो मैं बस एक्सपेक्टेड ही कर रहा था कि अभी दो चार मिनट में जिस तरह की वो आग थी एक और ब्लास्ट होगा। तो उसमें फिर ये होता है कि पीसेस उड़ते हैं उसके, सिलेंडर के उड़ते हैं, गाड़ी के अपने उड़ते हैं। तो मैं फिर बैठ गया था बैठ कर मैंने उनको जो है वो फौरन से प्रेशर बैंड की, क्योंकि उनका ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। और वो कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताई कि 6 में से 1.5 लीटर अगर लॉस कर जाए तो डेथ हो जाती है। फिर अभी इतना लॉस उनका ब्लड होने के बाद उन्होंने ट्रैवल भी करना था, कितनी देर बाद एम्बुलेंस आती, हॉस्पिटल जाते, क्रॉस ब्लड होता, वो सारे एक अलग सिचुएशन थी। तो फिर उनका ब्लड सेव करना ज़्यादा जरूरी। आपने ड्राइवर को ही बचाने की कोशिश की? एग्जैक्टली। फिर उसी में जख्मी हुए थे आप? जब ये हो गया तो दूसरे पेशेंट भी इस तरह का था, हम उन्हें वेट करवाते हैं कुछ पेशेंट्स को जो बच सकते हैं, अंदाज़ा हो जाता है हमें। फिर ड्राइवर की जब मुझे आवाज़ आई है गाड़ी से, तो ये 1 से 1.5 मिनट ये भी गुजरा था, ड्राइवर की आवाज़ आई, उनको यहाँ पर होल हुआ था, वो मुसलसल इस तरह से हिल रहे थे, आवाज़ उस वक्त उनकी ज़िंदा थे वो। पीछे से बहुत ज़्यादा लपटें आ रही थी तो उनकी गाड़ी की सीट की वजह से वो शायद बचे हुए थे। अच्छा। कान वगैरह चल रहे थे और यहाँ पर आग लगी हुई थी उनके कपड़ों में। तो मैंने रॉड से उनको, क्योंकि लपटें बहुत ज़्यादा थी, मैं जितनी भी कोशिश करता नहीं पास जा पा रहा था, मेरे हाथ के बाल जल गए थे, यहाँ से मेरे बाल जल गए थे, वो जला रही थी, हीट बहुत तेज, आग दूर थी लेकिन वो हीट जला रही थी बहुत बुरी तरह से। मैंने वो रॉड मुझे मिली, मैंने कहा कि मैं दरवाज़ा जो है वो इसको किसी तरह तोड़ देता हूँ ताकि ये मुसलसल हिल तो रहे, उस तरफ गिरेगा तो हम इसको बाहर खींच लेंगे, लेकिन दरवाज़ा भी फंसा हुआ था। फिर कुछ समझ में नहीं आई कि यार अब इसको किस तरह निकालें, और वो मुसलसल सामने जलता हुआ ख़त्म होता। फिर मैं कन्फ्यूजन भागा ऊपर, क्योंकि वहाँ फायर सिलेंडर्स होते हैं, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, वहाँ से मैं फिर 3 सिलेंडर्स लेकर आया। 4 से 4.5 मिनट या 5 मिनट के अंदर वो इस तरह की आग थी कि वापस आते तक उनका बिल्कुल वो ख़त्म हो चुके थे। उनके यहाँ से उनका पता नहीं ब्रेन बहकर बाहर आ रहा था, यहाँ के बह रही थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। और उसमें मेरा हाथ कट गया था, ब्लड मैच हो रहा था चाइनीज़ के साथ, जो क्योंकि उनका चाइनीज़ का सारा खून मुझे लगा हुआ था। फिर मैंने सर को कॉल की, सारी सिचुएशन के बाद जब हमने शिफ्ट कर दिया, 18 से 20 मिनट बाद एम्बुलेंस आई थी, हमने उन दोनों पेशेंट को शिफ्ट किया। चाइनीज़ को हमने उसी एलिवेट तरीके से ही, क्योंकि अक्सर एक्सीडेंट में इस तरह से होता है कि उठा के बस लोगों को फेंक देते हैं, 1 इंची की डबल इंची करवा देते हैं। तो फिर हमने उसे जिस तरह से चेयर पर बिठाया हुआ था एलिवेट करके, उसी चेयर के समेत हमने उसे एम्बुलेंस के अंदर शिफ्ट करवाया हॉस्पिटल के। लोग वहाँ थे जो आ जाते ना जज्बाती बहुत के, उतारो इसको लेटाओ, तो हमने उन्हें नहीं करने दिया वो काम, हमने उसी तरह से उनको भेजा। फिर उसके बाद मैंने सर को कॉल की सारा हैंडल करके कि मेरा हाथ कट गया और ब्लड मैच हो गया। तो किस तरह? फिर सर ने मुझे कहा कि आप इसको जो है एंटीबायोटिक से और एंटीसेप्टिक सोप से आप इसको वॉश करें, पायोडीन इसके अंदर आप अच्छे से वॉश करें, उसके बाद पायोडीन की बैंडेज करके इसको रैप करके इसको लपेट के रखें। सही, कोई 3 ऐसी चीज़ें बताएं जो हम नॉर्मली कहीं पिकनिक पे जाते हैं, कहीं भी बाहर जाते हैं, तो हमारे बैग में हमारे साथ लाजमी होनी चाहिए ताकि आप खुद को रेस्क्यू कर सकें। लेकिन सबसे पहली बात है कि 3 चीज़ें क्या हैं। एक तो आपके पास ट्रायंगुलर बैंडेज होना चाहिए, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग है। ट्रायंगुलर बैंडेज एक ऐसी पट्टी है कि दुनिया का कोई ज़ख्मी हो, किसी भी किस्म का ज़ख्मी हो,
उस पट्टी से आप मैनेज कर सकते हैं, उस स्किल को कैसे यूज करेंगे वो डेफिनेटली डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू अली, आप वाकई रियल लाइफ हीरो हैं, थैंक यू सो मच। और इस तरह से आपने जैसे कि बचाया लोगों की जिंदगी को सेव करने की कोशिश की, इट्स हैट्स ऑफ टू यू, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। एंड आई एम श्योर जितने लोग इस घरों पे बैठ के अली को सुन रहे थे और अली की बातें मॉनिटर कर रहे थे, आई एम श्योर सबके दिल से अली आपके लिए दुआएं निकल रही होंगी, रेड क्रॉस के लिए दुआएं निकल रही होंगी कि आप जैसे हीरोज पाकिस्तान में हैं, पैदा हो रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, एक और हीरो का जिक्र करते हैं, आपको मिलवाएंगे। इनका नाम है डॉक्टर जुल्फिकार भुट्टा। ये हमारे डॉक्टर्स दुनिया भर में पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम लहरा रहे हैं, पाकिस्तानियों का सीना 2 इंच और एक्स्ट्रा चौड़ा कर रहे हैं, उन्हें अवार्ड से नवाजा भी जा रहा है। डॉक्टर जुल्फिकार भुट्टा को कनाडा में अवार्ड से नवाजा गया है, गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से, उनकी रिसर्च के लिए। और मैं बताती चलूं कि डॉक्टर जुल्फिकार भुट्टा research.com की रैंकिंग के मुताबिक दुनिया के टॉप 100 यानी कि 100 और टॉप साइंसदानों में की लिस्ट में उन्होंने जगह बना ली है, तो ये भी हमारे लिए एक फखर का बायस है। डॉक्टर जुल्फिकार भुट्टा हमारे साथ मौजूद हैं, ये प्रोफेसर भी हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब, अभी बताइएगा कि आपने जिस तरह से आप देही इलाकों में खवातीन के लिए, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी गजा के लिए काम कर रहे हैं, तो ये आपकी जर्नी पूरी कैसे स्टार्ट हुई, थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में हमें। मुख्तसरन जी, ये जिस तरह आपके मुबसर ने बताया कि तकरीबन 37 साल का, ये शायद उससे भी ज़्यादा का सफ़र है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान में सूबा सरहद से, मैं शाह खैर मेमोरियल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ, और आप समझ सकते हैं कि आज से कुछ 40-45 साल पहले जब हम मैं अपनी तालीम हासिल कर रहा था, उस वक़्त सूबा सरहद का शुमार पाकिस्तान के नहायत पसमानदा सूबों में होता था। तो अपनी तालीम के दौरान और अपनी तरबियत के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान, मैंने पाकिस्तान के तमाम इलाकों में तकरीबन काम किया है, पेशावर, कराची और लाहौर। और जो एक चीज़ बड़ी खटकती थी उस ज़माने में, वो तजाद था, वो तजाद हमारे शहरों के बासियों के दरमियान और हमारे देही इलाकों के बासियों के दरमियान। तो जब मैं पाकिस्तान वापस आया 37 साल पहले, तो इसमें कोई ऐसा तरीका नहीं था काम करने का, क्योंकि तमाम हस्पताल हमारे जो हैं और हमारे टीचिंग हॉस्पिटल जो कि बिलखसूस मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक हैं, वो ज़्यादातर बड़े शहरों में हैं, और ना सिर्फ बड़े शहरों में लोकेटेड हैं बल्कि उनका प्रोग्राम भी बड़ा महदूद है बड़े शहरों तक। चीदा मेडिकल कॉलेज ने उस ज़माने में कुछ थोड़ा बहुत कम्युनिटी या अवाम उन्नास के काम के लिए हाथ बढ़ाया था, मगर बड़ी महदूद तरीके से। सो ये सफ़र जो पहले 10-15 साल रहा है मेरा, वो तकरीबन रवायती तौर पर हस्पताल की 4 दीवारी तक महदूद था। मैंने अपने अहबाब के साथ कोशिश की कि नौजायदा बच्चों की सेहत के लिए एक प्रोग्राम वज़ा किया जाए, जो कि कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स ने अप्रूव भी कर दिया। हम ट्रेनिंग पे ज़्यादा अपनी तवज्जो कर रहे थे, और फिर सन 1998-99 तक ये बात बड़ी आयां हो गई कि ये काफ़ी नहीं होगा। तो उस वक्त एक अपने दोस्तों के साथ और अपने ट्रेनीस के साथ प्रोग्राम ये बनाया गया कि हम इब्तदा करते हैं किसी ऐसे देही इलाके में, एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ के ज़रूरत शदीद हो, और हम हुकूमत के प्रोग्राम्स के साथ थोड़ा बहुत काम कर सकें। सही। गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से आपको नवाजा गया है, व्हाट इज दिस अवार्ड अबाउट सर, और आपने कौन सी ऐसी रिसर्च की जिसे दुनिया आपको अवार्ड देने पर मजबूर हो गई? मजबूर तो कोई नहीं होता, ये भी एक किस्म की रिकग्निशन है दुनिया में कि जरूरी नहीं है कि अवार्ड जो साइंस के हैं वो सिर्फ विलायत में या तरक्की याफ्ता ममालिक में हों। ये जो अवार्ड है गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड, ये दुनिया के सफ़े अव्वल के अवार्ड्स में शामिल है। इसको इसमें तकरीबन कोई 15-1 साल पहले इन्होंने ग्लोबल हेल्थ यानी कि आलमी सेहत की मुताबिकत से एक अवार्ड शुरू किया था, जो कि उन लोगों को दिया जाता है जिनके काम की वजह से कोई खातिर ख्वाह इम्पैक्ट या दुनिया में कोई तब्दीली आई हो। सो अल्लाह का बड़ा एहसान है जी कि हमारा काम, जो कि मेरा काम तो 90% जो है वो पाकिस्तान में ही है, और पाकिस्तान के दूर दूर दराज इलाकों में, ख़ास तौर पे ऐसे इलाकों में कि जहाँ हुकूमत के अपने प्रोग्राम भी नहीं है ख़ास। मेरा प्रोग्राम ऐसा है कि जिसने पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और ट्राइबल एरियाज़ में बहुत काम किया है,
तो इन चीज़ों को देखते हुए शायद अवार्ड की ज्यूरी ने ये समझा हो कि इस काम की अहमियत है और इससे शायद दुनिया में इम्पैक्ट हुआ। सही डॉक्टर साहब, आपने कई हेल्थ लेडी वर्कर्स को भी ट्रेन किया है दही इलाकों के लिए खास तौर पे, और आपने एक सेहत एक मॉडल भी बनाया है सेहत के हवाले से, गजाइत के हवाले से, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे हमें? देखें, मॉडल्स तो ख्याली पुलाव की तरह होते हैं। आप बनाते हैं एक आइडियल मॉडल कि अगर आप ये काम करें तो शायद इससे बड़ी तकलीफ हो जाए अमवात में भी और ख़ास तौर पे नई फ्लावर बच्चों में भी इम्प्रूवमेंट हो। आज से कोई 17 साल पहले हमने ये काम शुरू किया था देखने के लिए कि कौन सी ऐसी इंटरवेंशंस हैं, वो कौन सी ऐसी तदाबीर हैं जिनको इस्तेमाल करने से शराय अमवात भी बच्चों में कम हो सकती है और ये कि गजाइत की कमी के शिकार बच्चों की सेहत भी बेहतर हो सकती है। अब उसमें काफ़ी हद तक दुनिया के दीगर ममालिक में, अफ्रीका में और साउथ एशिया के दूसरे ममालिक में वो चीज़ इम्प्लीमेंट भी हो गई है। मुझे ज़रा अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे अपने वतन में उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से मेरी ख्वाहिश थी। अब हमारी कोशिश यह है कि अरबाब इक्तदार, चाहे वो एक हुकूमत हो दूसरी हुकूमत हो, कि बार बार उनको ये वज़ा कराया जाए कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल होना है तो आप सबसे पहले अपनी माओं और बच्चों की सेहत की तरफ तवज्जो दें। True. क्योंकि ये इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक जनरेशन नहीं, मुस्तकबिल की जनरेशन में ही होता है। जो बच्चा नहीं फुलागर पैदा होता है, जिस माँ को हमल के दौरान गजाई कमी और खून की कमी शिकायत हो, वो कभी भी एक सेहतमंद ऑफस्प्रिंग को जन्म नहीं दे सकती। और अगर बच्चा सेहतमंद नहीं होगा तो ना वो तालीम से मुस्तफीद हो सकता है, ना वो बड़े होकर सेहतमंद फर्द की हैसियत से अपना काम अंजाम दे सकता है किसी भी शोबे में। बिल्कुल राइट। एज अ नेशन डॉक्टर साहब, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो वेरी मच। आपकी खिदमत के लिए हम बेहद और शुक्रगुजार हैं, और हर पाकिस्तानी जुल्फिकार, डॉक्टर जुल्फिकार भुट्टा साहब की खिदमत पर इस वक्त उसका सर फखर से बुलंद है। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब। सियासत में क्या होने वाला है, मामला क्या चलता है, क्या नहीं चलता, सितारे क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं रोजीना जलाल, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। तो देखते हैं नंबर गेम क्या है ये, और न्यूमरोलॉजी के थ्रू ये कैसे हमें बताती हैं कि सियासी सूरत हाल क्या होने वाली है आगे। जी रोजीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं रोजीना? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन मेरा नाम रोजीना भट्ट है, और प्लीज उसको ही बोला जाए और उसको ही किया जाए, वैसे रोजीना भी। अच्छा रोजीना आपको कहते हैं, रोजीना ठीक है जी। रोजीना जी फरमाइए। जी रोजीना बताइए, मुल्क की सिचुएशन आपके सामने है, सूरत हाल आपके सामने है, मईशत का बहुत बुरा हाल है, न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप बताएं कि आपको हमजा शहबाज के सितारे क्या कहते हुए नजर आते हैं, और साथ साथ उनके वालिद साहब के बारे में बताएं कि शहबाज शरीफ के सितारे क्या कहते हुए नजर आते हैं, आगे इनकी हुकूमत कहाँ तक चलेगी? जी 2022 में जो ये एक टर्न आया है और ये हुकूमत ने एक जो हमें बदलाव नजर आया है के पीटीआई के बाद अब नून लीग जो है बरसर इक्तदार आई है, इसमें जो उनके नंबर्स हैं, जो उनके सितारे हैं, वो काफी हद तक मद जजर में रहने वाले हैं, वो काम करना चाहेंगे, काम होंगे नहीं। इस दौरान जो है जून का महीना, मई का महीना और अगस्त का महीना जो है वो बहुत ज्यादा महंगाई की तरफ लेकर जाएगा, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ की हकूमत में खुद इख्तलाफात बढ़ जाएंगे, जिनके मुझे थोड़े अलग अलग धड़े होते नजर आ रहे हैं। इनके बीच में इख्तलाफात जो है लास्ट वीक से स्टार्ट हो चुके हैं इनके सितारे में, और इनके भी जो मामलात है वो आगे इतना ज्यादा इख्तलाफात की वजह से मामलात इतने अच्छे तरीके से नहीं करा पाए। अच्छा ये इत्तेहादी हुकूमत जो है, जी जी बोलिए, सियासी बदोजदर के साथ साथ जून और जुलाई के महीने में कुछ जानी नुकसान गाय बगाए आपको सुनने को मिलेंगे। मुल्क के अंदरूनी मामला काफी हद तक खराब हो सकते हैं। उसके अलावा हमारे मुल्क के खिलाफ प्रोपोगंडा भी जो है और मुख्तलिफ खबरें भी जो है वो सरगर्म हो सकती हैं। ये जून और जुलाई के अंदर खास तौर पे नजर आ रहा है। महंगाई का तूफान सेप्टेम्बर तक इतना बढ़ जाएगा कि अवाम में बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है।
उसके अंदर रोजीना मुझे ये बताइए कि एक तरफ खान साहब का कहना है कि वो दोबारा से लॉन्ग मार्च निकालेंगे और लेके आएगा सुप्रीम कोर्ट की परमिशन से लेके आएंगे, और दूसरी जानब जिस तरह से आप बता रही हैं कि महंगाई का समंदर एक और आएगा आवाम के ऊपर, जिसमें क्या ऐसा पॉसिबल है कि आवाम भी सड़कों पर निकल आएगी? खान साहब का तो निकल ही आती, लेकिन आवाम का एक शोर शुरू होगा जो हुकूमत को टफ टाइम दे सकता है, हुकूमत प्रेशर में आएगी क्या? बिल्कुल, हुकूमत प्रेशर में आएगी, मालियाती इदारों का दबाव, एस्टेब्लिशमेंट, अफवाज पाकिस्तान और सियासी पार्टियों में खिंचाव वाजे नजर आ रहा है और इख्तलाफात और मुल्की मामलात को खराब करता नजर आ रहा है। इमरान खान साहब जब कॉल देंगे आवाम टूट कर आएगी, चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना हो, वो जो है वक्फे से एहतजाज करते नजर आ रहे हैं और उनका जो मामलात है वो अवामी तौर पर जो है काफी इस पे उनको जो है अच्छा टेन्योर मिलेगा, लोग ज्यादा होंगे उनके साथ, इज्तमा ज्यादा नजर आएगा, उनकी खबरें ज्यादा नजर आएंगी, हुकूमत की तमाम खबरें दब जाएंगी और उनकी ही ज्यादा खबरें हमें नजर आने वाली हैं इस 2022 के अंदर। सही, मामला बहुत रुपए की कदर जो है हमारी कम से कम होती जा रही है और मामलात जो है वो मुल्की सतह पर जो है वो काफी हद तक खारजा पॉलिसी। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोजीना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आया जी, मुल्क के हालात तो बहुत टफ चल रहे हैं, महंगाई का समंदर दोबारा से हमारे सामने खड़ा है, मजीद महंगाई होने के इम्कानात हैं, बहुत मुश्किल सिचुएशन है। हम से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। और साथ ही एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए दुनिया बोल है। शो में मजीद बहुत कुछ दिखाएंगे आपको, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब हम आपको मिलवाएंगे दो ऐसे मेहमानों से जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि भाई वो एक टेक्नोलॉजी में एक अहम किरदार अदा करते हैं। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में पहली बार आईटी की फील्ड में एक एग्जिबिशन होने जा रही है, एक एक्सपो होने जा रही है 2022, जो कि जून में होगी और वो रिलेटेड करती है रोबो मिशन से। उसमें और भी राइट, थोड़ा सा बैकग्राउंड में अपने व्यूअर्स को यहां बताना चाहूंगा वरदा। दुनिया में बहुत कई दिहाइयों पहले हम छोटे थे, हमने देखा इंसान ने एक दुम्बे की कॉपी की, उसका रेप्लिका बनाया, इसका नाम था डॉली। इंसान काफ़ी दिहाइयों से वर्दा इस टेक्नोलॉजी के पीछे है कि वो इंसान बना सके, लेकिन हकीकत यह है कि वो इंसान नहीं बना सका। फिर उन्होंने क्या बनाया रिसेंटली हम देख रहे हैं दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उन्होंने इंसान नुमा रोबोट्स बना दिए और आज दुनिया में रोबोट्स इस तरीके से फैल गए हैं कि आप दुनिया की अगर इंडस्ट्रीज को उठा के देखें तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां रोबोटिक्स हैं, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट प्रोडक्शन जो हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीटली रोबोटिक्स है। तो रोबोटिक्स का ट्रेंड अब बच्चों में भी आ गया है, स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा है और रोबोट्स इतने आगे निकल गए हैं जिसकी कोई इंतहा ना हो। वो हर वो काम कर सकते हैं जो इंसान पहले करता था, इंसानों की बहुत सारी नौकरियां रोबोट्स खा गए हैं। बहुत सारे माहिरीन तो ये भी कहते हैं कि आने वाले 10-20-15 सालों में और नौकरियां रोबोट्स खा जाएंगे और रोबोट से ही सारा काम लिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ जो दो नौजवान हैं वो मिसबा कादरी, काशिफ सलीम, आप इस वक्त करवा रहे हैं पाकिस्तान रोबो मिशन एक्सपो, आप रोबोट्स के हवाले से एक एक्सपो रख रहे हैं, यकीनन बड़े दिलचस्पी का बायस होगा। जो भी आईटी का शौकीन है, जो भी फ्यूचर को जानना चाहता है, वो रोबोट्स को जानना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने कीमती वक्त में दिया। मिसबा से पहले आपका तारुफ करवाऊँ, मिसबा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता रहे, ब्रॉडकास्टिंग के शोबे से वाबस्ता रहे और बहुत वक्त चैनल्स में आगे पीछे होने के बाद इन्होंने फैसला किया कि अब मैं आगे बढ़ूंगा और आज ये रोबोटिक्स का एक्सपो करा रहे हैं। वेलकम बैक, इट्स गुड टू सी यू अगेन। मिसबा आप स्क्रीन पे आ गए, हमेशा कैमरा के पीछे होते थे, कैसा फील कर रहे हैं और इस एक्सपो के बारे में बताइए। देखिए टेक्नोलॉजी जो है तरक्की, आपकी इस बात से मैं थोड़ा सा जो है ना वो इख्तलाफ करूंगा कि रोबोटिक्स जो है वो हमारी लाइफ के अंदर आने के बाद से जॉब्स खा गई हैं, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी हमेशा मोटिवेट होती है, आगे तक देखिए सारी फैक्ट्रियां जो इंसान काम करते थे अब रोबोट्स कर रहे हैं तो जॉब्स तो गई नहीं। देखिए ना परफॉर्मेंस कितनी बढ़ गई है, अग्रीड, वो तमाम प्रोडक्शन इफेक्टिवनेस बढ़ी लेकिन जॉब जरूर खाएंगे। आपने तो मोटिवेट करें ना, आप एक्सेल करें, आप तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छे रोबोट्स, ये रोबोट ये नहीं। यहां पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा तलब भाई के, जो है जिस तरह से ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है कि पहले आप वो चेंज हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, उसमें जॉब प्रोडक्शन क्वालिटी बिल्कुल वेस्टेज तो कॉस्ट इफेक्टिव इंडस्ट्री वेरिएशंस चेंज होंगी, लेकिन इस तरह से हमारी अगर लोकल लेवल प्रोडक्शन की बात की जाए तो अगर रोबोटिक्स और इस तरह की प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो एक इंडस्ट्रियल और इंजीनियर
इंजीनियरिंग सेक्टर में एक न्यू जॉब मार्केट डेवलप होगी, तो जहाँ ये चीज़ डेप्लीट की कही जाएगी वहीं पे ये एक न्यू इंक्रीमेंट एक्सपो में क्या होगा ये बताएं। रोबोट भी तो इंसान ही बना रहे हैं एक्सपो में क्या होगा ये बताएं। हाँ, ये सवाल एक्सपो में आपने जैसे कहा था कि ब्रेक में आपने बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें बताई, मैं चाहूंगी कि ऑनर भी आप देखिए। सबसे पहले तो आप जब इंशाल्लाह उस एक्सपो में आएंगे जो 10-11-12 जून कराची एक्सपो सेंटर में 10-11-12 जून को हो रही है एक्सपो कराची में, होपली आपको एक रोबोट ही वेलकम करेगा और वो आपको अंदर, तो ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। शक्ल कैसी होगी उस रोबोट की? काबिल बर्दाश्त होगी। अच्छा, हम पहले जमाने में कहीं सुनते थे कि एक वक्त आएगा कि जब जो है मशीन सारा काम करेंगी और मशीन ही आप लोगों को वेलकम करेंगी, तो ये अब का दौर है, आ चुका है। आपकी गाड़ियां सारी हाइब्रिड हो चुकी हैं, ऑटोमेटेड गाड़ियां हैं आपके पास, आपकी टेक्नोलॉजी ब्रॉडकास्ट की ऑटोमेशन हो चुकी है, आप जो वेल्डिंग हो रही है, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो सब रोबोट मॉनिटर कर रहे हैं, ऑपरेशंस तक रोबोट कर रहे हैं और डॉक्टर से मॉनिटर कर रहा है कि ऑपरेशन सही कर रहा है या नहीं कर रहा। मुझे हाइब्रिड की आपने बात की, मुझे बताएं कि हम लोग आवाम को सहूलत देने के लिए हाइब्रिड गाड़ियां बना रहे हैं, हम इको फ्रेंडली चीजें बना रहे हैं, लेकिन वो आवाम की पहुंच से ही इतनी दूर क्यों होती है, वो क्यों इतनी एक्सपेंसिव होती है कि आम आवाम पहुंच ही नहीं सकती? देखिए, जब कोई इनोवेटिव आइडिया होता है तो उस पर बहुत बड़ा हैवी बजट लगता है, इनिशियली उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, जब उसकी बल्क प्रोडक्शन होती है तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्ट कम होती ही चली जाती है। हम जो डिवाइसेस बनाते हैं वो सिलिकॉन से बनती है, सिलिकॉन एक रेत है जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, तो उन्हीं आइडिया बेसिकली बल्क मटेरियल तो रेत इस्तेमाल हो रही है, लेकिन उस आइडिया पे कॉस्ट लग रही है, लेकिन जब बल्क में प्रोड्यूस हो जाता है तो कॉस्ट कम हो जाता है। अच्छा, इसमें हुआ है कि अभी हम लोग जो भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं या इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। एक्जैक्टली, अगर हम लोकल लेवल पे इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो जैसा इन्होंने बताया कि एक कॉस्ट आती है उसके ऊपर, तो वो क्योंकि हमारे पास बाहर से उस पर इन्वेस्टमेंट हुई होती है, फिर यहाँ पे आते हैं फर्दर उसके प्रोसेसेस होते हैं, तो उसकी वजह से वो हमें कॉस्ट बहुत वो पड़ती है, लेकिन अगर हम लोकल लेवल पर प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे रोबोटिक्स के ऊपर, ऑटोमेशन के ऊपर, तो ये वाली चीज़ हमारे यहाँ जो है इतनी। मिस्मान काशिफ, ये बताइए कि जब रोबोट हमें आपके एक्सपो में वेलकम करेगा तो अंदर ले जाएगा, तो फिर अंदर क्या होगा, कुछ उसके बारे में बताइए। अंदर आपको बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ मिलेंगे, आपको पाकिस्तान की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के इंक्यूबेटर सेंटर्स क्या रोबोटिक्स को हमने डिवाइड किया डिफरेंट सेगमेंट्स, डिफरेंट सेक्टर में डिवाइड किया है। देखिए, रोबोट्स का इस्तेमाल दुनिया में कहाँ हो रहा है? एग्रीकल्चर में हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा है, हेल्थ साइंसेस में हो रहा है, इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान में इनफैक्ट कम हो रहा है लेकिन दुनिया भर में ज़्यादा हो रहा है। तो हम उन तमाम इंक्यूबेटर सेंटर में ऑन बोर्ड लिया है, यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स हम देख के आए, क्योंकि देखिए मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ इस बात का कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो प्रोजेक्ट बनाते हैं वो बड़ा प्रोजेक्ट होता है कि बस 200 मार्क्स का प्रोजेक्ट है, दिखाओ पास हो जाओ एंड दैट्स इट। आप ये नहीं सोचते कि जो हमने आइडिया जनरेट किया है उसको इंडस्ट्री में कैसे ले, वो उसका करियर बन सकता है। एग्जैक्टली, देखिए यूनिवर्सिटीज में HEC ने इंप्लीमेंट किया है ऑरिक को, ठीक है, ऑरिक ये क्या कर रहा है, ऑरिक लिंकेज प्रोग्राम है जो कि इंडस्ट्री और एकेडमी को आपस में लिंक कर रहा है, और हम वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो आके देखेंगे यूनिवर्सिटीज क्या काम कर रही हैं, ब्रिज बिल्डिंग का प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल, और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को हमें फजूल ईयर या फारिग ईयर प्रोजेक्ट नहीं बनाना। सही, हां कि वो उसके बाद आप डंप हो गया कहीं, आप भूल गए उस प्रोजेक्ट को, कि आप स्टोर में रखा हुआ होता है और काम कर सकते हैं। और हमारी एग्जीबिशन के अंदर हम स्टार्टअप्स को, यूनिवर्सिटीज तो हमारी बिल्कुल, हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेसिबिलिटी दे रहे हैं कि वो आके इसके अंदर अपना, सो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मशीनें हम रोबोट्स देखेंगे, और क्या क्या देखेंगे वहां? आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड देखेंगे, आप मेडिकल एडवांसमेंट से रिलेटेड देखेंगे, आप वेलकमिंग जो रिसेप्शन बॉट्स हैं उसके हवाले से देखेंगे, जिस तरह से मिसबस कस्टमर सर्विस के हवाले से भी। एग्जैक्टली, CSR के बहुत बड़ा, तो हाउसमेट्स बना रहे हैं, घर का काम करने वाला रोबोट, बिल्कुल बिल्कुल इस पे काम कर रहा है, अवेलेबल है मार्केट में और ये अवेलेबल भी है मार्केट में, और आपको हमारी एक्सपो में भी देखने का मौका मिलेगा। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो रोबोट्स आप बना रहे हैं वो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं हाउसमेट्स, या फिर वो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में? इंटरनेशनल तो मैंने देखे बहुत आसानी से काम कर लेते हैं, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर सोसाइटी है, एग्रीकल्चर सोसाइटी, और हमारे एग्रीबॉट्स आप देखेंगे उसके अंदर डिफरेंट तरह के हैं, क्योंकि हमें इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। हमारी यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम टेक्नोलॉजी के तो बहुत लेट अडॉप्टर्स हैं, और अगर हम उसको जल्दी अडॉप्ट करते हैं तो हमारे लिए वो, क्योंकि मार्केट ओरिएंटेड नहीं होता, तो क्योंकि हम एग्रीकल्चर सोसाइटी हैं, एग्रीबॉट्स हो गए, उसके अलावा कुछ जो हमारी ग्राउंड रियलिटी है हमें उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। इस पर टक पर अगर काम होगा तो हमारा बेसिकली फोकस यही है, आप लोगों को एग्रीबॉट्स दिखेंगे डिफरेंट तरह के, जो कि जो है वो कल्टीवेटिंग और इससे लेके हार्वेस्टिंग, इस तरह के प्रोसेस, और हेल्थ से बड़े मसले आप देख सकते हैं, जब कोविड के बाद से कभी खुदा खासा कहीं अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है, तो आप वहाँ तक रीच नहीं कर सकते, तो आपके ड्रोन्स के जरिए मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पहुँचाई जाए, इस पर भी काम चल रहा है और हम इसको इनिशिएट कर रहे हैं और इसको जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, इन आइडियाज पे काम किया जाए। इसका बाहर गेट पे भाईजान मिस बसा अगेन वो पास के पैसे वैसे ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये फ्री है, फ्री फॉर एवरीवन, फ्री फॉर एवरीवन है, और मजे की बात ये है कि क्योंकि हम इको फ्रेंड सिस्टम पे काम कर रहे हैं, लिहाजा इसका पास प्रिंटेड नहीं है बल्कि एक QR कोड जनरेट हुआ है, वेबसाइट पे जाए, वहाँ पे उसको स्कैन करें, आपको परमिशन मिल जाएगी और वापस आते हमें जब एक्सपो में आप आएंगे वो दिखाइए। ये बताए, बहुत सारे लोग आपको देख कर ये चाह रहे होंगे कि वो भी इस एक्सपो का हिस्सा बने, उनके भी कोई आइडियाज होंगे, कोई क्रिएशन होगी, कोई इन्वेंशन होगी, हाउ कैन दे कॉन्टैक्ट? एग्जैक्टली, देखें इसी को हम ये आपके इस चैनल को इस वक्त जो है ना बेस बनाते हुए और इसको एक अच्छी पॉलिसी समझते हुए हम अप्रिशिएट करते हैं, तमाम लोगों को बोलते हैं, हमारी वेबसाइट यकीनी तौर पर आपको नजर आ रही होगी इस वक्त टीवी के स्क्रीन के ऊपर, WWW
pr.expo.com.pk इस पर जाइए, इसके बाद हमारे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं, वो तमाम गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, वो तमाम यूनिवर्सिटीज़, और एक वाले इसके अलावा लोकल और इंटरनेशनल वेंडर्स जो कि रोबोट्स पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं, वो हमसे कॉन्टैक्ट करें और आएँ। हमें ज़रूरत है उन तमाम लोगों की, और तमाम आइडियाज़ जो आपने बिल्ड किए हुए हैं या आपके जहन में भी कहीं हैं, उसको लाके हमारे साथ मिलके और फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ पे एग्जिबिट कर सकते हैं। सही, मेरा आप लोगों से यहाँ पे एक सवाल है कि आईटी सेक्टर में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनली कंपेयर करें तो लगता है कि हम बहुत पीछे हैं, और आपको गवर्नमेंट कितनी सपोर्ट कर रही है इस चीज़ में? आईटी ना एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है, हम उसके छोटा सा सेगमेंट है। क्योंकि अगर हम बात करें इनोवेशन की, बात करें हम रोबोटिक्स की, बात करें या हम आर्टिफिशियल की बात करें, वो उसके छोटा सा सेगमेंट है। इनोवेशन की बात कर लेते हैं, इनोवेशन में दुनिया के 132 कंट्रीज में पाकिस्तान 99 पे स्टैंड करता है। जो दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ हैं वो इनोवेटिव कंट्रीज़ भी हैं और वेल्थी कंट्रीज़ भी हैं। तो इससे रिलेशन निकल के आता है कि अगर आपकी वेल्थ जनरेट होगी तो जो टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन इन्होंने की हुई है, जो इनोवेशन की हुई है, वही वेल्थी कंट्री है। तो अगर आप पत्थर के दौर में रहेंगे तो कभी भी आप फाइनेंशियली जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर सॉफ्टवेयर आईटी के हवाले से अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं, बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग का बिजनेस इसमें है, लेकिन जो हार्डवेयर है बेसिकली इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर बहुत कम काम हो रहा है। तो हमारा क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ये सब इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करता है, जिसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एज वेल एज हार्डवेयर प्रोटोटाइप इसके हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मिसबाह कादरी, काशिफ सलीम। जरूर जो देखने वाले हैं जरूर जाइएगा, पाकिस्तान रोबोमिशन एक्सपो जून में हो रहा है, और अपने बच्चों को भी लेके जाएगा, और जिनके पास आइडियाज हैं इनसे राब्ता करें, अपने आइडियाज को 11-12 जून को हो रहा है। सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तून देश भी बन सकता है, कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का, लेकिन उस वक्त इतना कुछ शोर नहीं मचाया गया। उस वक्त जो है ये जो कंसल्टेंट्स हैं हुकूमत के जो मुख्तलिफ चैनल्स में काम कर रहे हैं, उस वक्त इन्होंने रात गए प्रोग्राम शुरू नहीं किए, ट्रांसमिशन शुरू नहीं किए। हमारे साथ डिस्कशन के लिए मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डिस्कशन करने के लिए सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर एनालिस्ट और हमारे फेवरेट समी इब्राहिम साहब। समी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। आपके इंटरव्यू ने कल तहलका मचा दिया, हम रابطہ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके इंटरव्यू ने कल बहुत सारे साथियों के जो लिफाफे होते हैं, सैलरी की बात नहीं करूंगा, लिफाफे हलाल करने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि सैलरी तो उनके लिए कुछ होती नहीं है, तो खैर वो हलाल हो ही जाती है। तलहा बात देखें यहाँ पे ये है कि इस तरह के बयान पहले भी और दीगर पार्टीज के रहनुमाओं ने भी दिए हैं, चेयरमैन ने भी दिए हैं, उस वक्त इतना शोर क्यों नहीं मचता कि जिस वक्त इस बात पे? अच्छा, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है, इमरान खान साहब ने एक हकीकत बयान की है, एक आईना रखा है जो उनका खदशा उन्होंने वो जाहिर किया है कि जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है इस वक्त कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब बिलावल साहब ने बाकायदा ऐसा लग रहा है कि उन्होंने नाम सोचे हुए नाम ही बता दिए कि क्या बन सकता है कि सिंधु देश बन सकता है और इस तरह के और मजीद उन्होंने नाम लिए बन सकते हैं, तो उस वक्त क्यों इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया गया? पहला सवाल, उस वक्त के बाकी इदारे सो रहे थे, लाइक हमारे सारे जितने भी चैनल्स हैं उस वक्त उस चीज़ पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे थे? सहाफ़ी क्यों उस वक्त नहीं उठ रहे थे? उस वक्त इस बात पे क्यों सवाल नहीं उठाया गया? क्या ये प्रॉपर एक प्रोपेगेंडा हो रहा है? मैंने आपको शायद कुछ शोज पहले बताया था कि पाकिस्तान में सहाफत मेरी नज़र में काफ़ी हद तक अब तदफीन हो चुकी है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और फिर उसका स्वयं वगैरह होगा, आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन इस वक्त सहाफत में कुछ बचा नहीं है, सब ने सहाफत में सियासी झंडे पकड़े हुए। तो या आप सहाफ़ी बनो या सियासतदान बनो, दोनों नहीं बन सकते। सैडली यहाँ पर हर सहाफ़ी की एक पार्टी है, हर चैनल का एक झंडा है, जिसकी वजह से इमरान खान के कल के बयान के ऊपर इतना पतंगड़ बनाया जा रहा है, इतना शोर मचाया जा रहा है, क्योंकि लिफाफे आते हैं ना, सरकारी एड्स आप देख रहे हैं आजकल कितने चल रहे हैं शहबाज शरीफ के तुर्की वाले, ये सब इसी तरीके से डिजाइन होता है कि आप हमारा प्रोपेगेंडा चलाएं, ये लीजिए 2 करोड़ की एड, ये लीजिए इतने पैसों की एड, जहर खाने के पैसे नहीं, दूसरी तरफ करोड़ों के एड्स, और लिफाफे अलग जाते हैं पर्सनल अकाउंट में, घर के गिफ्ट, फार्म हाउस के गिफ्ट, गाड़ियों के गिफ्ट। चलें जी, खैर हुकूमत ने तो इस दफा बहुत ज्यादा, अब आप शायद इस सीरियस इशू के बाद में खासे फेस क्रीम्स और मेकअप को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे इस हुकूमत ने हमारा इंपोर्टेड आइटम्स बैन कर दिए, सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बैन कर लिए, ये सबसे बड़ा इशू है। और अगर ये प्रोडक्ट्स ना हो तो हमारी खवातीन कहाँ जाएंगी? उनका तो जीना दो भर हो जाएगा, शायद घर से भी ना निकल पाए, लेकिन बुरका जरूर पहनना शुरू कर देंगे मुझे लगता है। फिर ये नहीं, ऐसा हम सोल्यूशन लेके आए हैं अपनी आवाम के लिए, हम खवातीन को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ मेरी बहनों, इसीलिए हम लेके आए हैं आपके लिए सोल्यूशन। और सोल्यूशन बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं द फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट, हैं आपने पहले ही मेरे शोज में देखा है, बहुत अच्छी बातें बताती हैं, बहुत तरीके से आपको गाइड भी करती हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं डॉक्टर आयशा हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आयशा? वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छे बाद मुलाकात हुई आपसे। लेकिन ब्यूटी प्रोडक्ट्स बैन हुए तो हमें आपकी याद आई
और शिद्दत से याद आई, तो बताओ भाई क्या क्या करें आयशा के सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बैन हो गए हैं, और जो हकीकत बात है कि मेजॉरिटी अगर मैं कहूँ जिसके पास शायद अफोर्डेबिलिटी का भी इशू होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो महीने दो महीने में पैसे अपने थोड़े बहुत बचा के सेविंग्स करके खर्च करके वो एक अच्छे इंपॉर्टेंट ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेते हैं, चाहे वो आपका फेस फाउंडेशन हो, क्लेंजर हो, मस्कारा हो, या बेसिक चीज़ों की अगर हम बात करें, प्राइमर हो, तो वो ज़रूर बाहर के ही शैम्पूज़ यूज़ किए जाते हैं। देखें मेरा एजेंडा जो है ऑब्वियसली मैं जिस पे बात करूँगी मैं रियलिटी पे बात करूँगी। पहली चीज़ तो ये है कि जब आप इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स का नाम लेते हैं और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की तरफ आप जाते हैं तो उसका रीज़न क्यों, आप क्यों जाते हैं, सिंपल इज़ दैट कि वो जो इंग्रेडिएंट्स आपको बाहर के प्रोडक्ट्स से मिलते हैं अनफॉर्चुनेटली यहाँ की प्रोडक्ट्स के अंदर वो इंग्रेडिएंट्स लोकल प्रोडक्ट्स में अवेलेबल नहीं होते। पॉलिटिकल टच तो नहीं देंगे बट एक रियलिटी है, यू नो एवरीथिंग इज़ बिल्कुल हमसे इंटरकनेक्टेड होती है। तो कहने का मकसद ये कि पहले आप अपने कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज़ लगाइए, एम्प्लॉयमेंट्स दीजिए, और फिर आप इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को बैन करें, यू नो, तो आपको फ़ायदा भी हो। लेकिन अभी इस टाइम पे सूरत हाल जो है उसमें बहुत सारे बिजनेसेस भी डिस्ट्रॉय होंगे। स्किन केयर प्रोडक्ट्स या स्किन केयर के ब्रांड्स तो शायद मिल जाएंगे, जैसे मुझ जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपने बिहाफ पर कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं फॉर्मुलेशंस डिज़ाइन किए हैं, बनाई हैं, वो तो आप किसी हद तक कंपनसेट कर लेंगे, आपको सीरम्स मिल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम आता है आपके मेकअप इंडस्ट्रीज़ के अंदर। आपके पास वो इंग्रेडिएंट्स जो कि ऑक्सीडाइज बहुत जल्दी हो जाते हैं, यहाँ पे जितनी भी आप लोकल प्रोडक्ट्स देखें, अभी आप हम थोड़ी देर पहले ऑफर डिस्कस भी कर रहे थे, मस्काराज हैं, आप देखें आंखों के नीचे उसका पिगमेंट डिपॉजिट हो जाता है, बिल्कुल। फिर लोग उस प्रॉब्लम के साथ आते हैं कि बहुत हमें डार्क सर्कल्स हो गए हैं, ये जा नहीं रहे हैं। अच्छा, ये हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते कि हमें डार्क सर्कल्स, एक बड़ा रीजन ये भी है कि अगर आप मस्कारा सही से यूज ना करें, एग्जैक्टली, जैसे आपने कहा कि उसकी पिगमेंट डिपॉजिट हो जाती है तो उससे भी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, पिगमेंटेशन बन जाती है आपके चेहरों के ऊपर। और उसके साथ साथ ये कि हम ऐसे ही फाउंडेशन का भी है, फाउंडेशन का भी है, फाउंडेशन की भी, इवन की लिपस्टिक्स हैं, आप लोकल जितनी भी आप देखें लिप्स डार्कनिंग होती है, एंड इट इज़ रियलिटी। आप उसको ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो आपको लिपस्टिक्स या आपको जो भी मेकअप मिल रहा है उसकी जो कॉस्टिंग आती है, कंपनीज का भी फॉल्ट नहीं है, उसकी जो कॉस्टिंग्स हैं उसको आप देखें, जो बाहर से आप ले रहे होते हैं डेफिनेटली आपके इंग्रेडिएंट्स के अंदर बहुत डिफरेंस होता है। सेकंड ये कि हम काम करते हैं कॉस्मेटिक क्लिनिक्स के अंदर, कॉस्मेटिक क्लिनिक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, आपके पास बोटॉक्सेस अवेलेबल नहीं है, आपके पास फिलर्स पाकिस्तान में नहीं बनते, आपके पास डिटॉक्सिफिकेशन की ड्रिप्स पाकिस्तान में नहीं बनती हैं, ये सारा इंपोर्ट आइटम तो है। अब क्या होगा जो लोग बोटॉक्स वगैरह करवाते हैं? ये होगा कि देखिए हर किसी के पापा तो लंदन में नहीं रहते ना कि जाके आप घंटे की फ्लाइट लें और जाके वहाँ से बोटॉक्स फिलर करा कर आ जाएं। और रियलिटी ये है कि पहले मेरा ख्याल से हुक्मरानों को छोड़ना चाहिए, और हमारे माशाल्लाह से जो वज़ीर आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी एक हफ्ता पहले जाके अपना बोटॉक्स कराया था। तो कहने का मकसद ये है कि नई चीज रिवील हुई है कि एक हफ्ता पहले वो अपना उन्होंने करवाया बोटॉक्स, उसके बाद आके आप देखें माशाल्लाह बड़े फ्रेश लग रहे हैं। और तो कहने का मकसद ये है कि देखें, या तो फिर हुक्मरान इन तमाम चीज़ों को छोड़ें और फिर आप एक मिसाल बने, और मरियम साहिबा जो हैं वो मरियम नवाज, बताओ हमारा उनकी ब्यूटी पे बड़ी बात होती है। एग्जैक्टली, उनकी ब्यूटी बहुत, हम सब जानते हैं कि वो भी इन सब चीज़ों प्रोसीजर से गुजरे, सारे फिलर्स हो गए, बोटॉक्स हो गए, सबने करवाया, जब भी आप स्टेज में इतने जवान और खूबसूरत नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल वहीं खड़ा है कि अब हम क्या करें, लाइक हम अगर 3 महीने के लिए फंस गए, आगे नहीं पता कि आगे कब तक ये चीज़ खुलेगी, प्रोडक्ट से बैन कब खत्म होगा, अभी हम क्या यूटिलाइज करें, किस तरह से अपनी स्किन का ख्याल रखें, अगर नेचुरल चीज़ों से क्या हम कुछ कर सकते हैं, या अगर हम मजबूर हैं, अगर हमें फाउंडेशन यूज़ करनी पड़ी है, मस्कारा यूज़ करना पड़ा, हमें लिपस्टिक्स यूज़ करनी पड़ी है, तो देखिए इट इज़ वेरी सिंपल, आप ये करें कि इसका बहुत अच्छा मैं आपको सोल्यूशन देती हूँ। हमारे पास हमारी जो लोकल कंपनीज हैं उसमें बहुत अच्छे सन ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं जो कि जिसमें प्रॉपर वो इंग्रेडिएंट्स हैं, और क्योंकि सन ब्लॉक्स जो है वो आपको हमेशा हम कहते हैं कि लोकल यूज़ करें, यहाँ का यूज़ करें, उसका रीज़न ये कि वो यहाँ के मुताबिक लोकल सन ब्लॉक का शैम्पू कहा जाता है कि आप वो यहाँ के मुताबिक बना हुआ होता है। अच्छा, उसकी आप एक लेयर अपनी स्किन पर ज़रूर लगाएं बिफोर मेकअप, उससे क्या होता है कि आपकी जो स्किन है वो एक लेयर की प्रोटेक्शन दे देता है। जेल फॉर्म में हो तो ज़्यादा बेहतर है, फिर उसके ऊपर आप मेकअप अप्लाई करें तो आपकी डायरेक्ट स्किन डैमेज नहीं होती। सेकेंड ये कि बहुत सारे मार्केट में ऐसे क्लिनजर्स हैं जिसकी फॉर्मुलेशन मैं जेनेरिक बता देती हूँ। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप सैलिसिलिक बेस्ड फेस वॉशेज यूज़ करें, अगर आपकी नॉर्मल ड्राई स्किन है तो आप ग्लाइकोलिक या मेंडेलिक बेस्ड जो है वो फेस वॉश कर सकते हैं, नॉर्मल ड्राई स्किन के लिए उसको आप दिन में 2 बार यूज करें, एक सुबह में और एक रात सोने से पहले, क्योंकि जब आप सारी चीज़ों से फ्री हो जाते हैं तो आपका सारा डिब्री रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। एक अच्छा आप स्क्रब रख लें बिल्कुल माइंड वाला, जिसको आप
हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करें और एक अच्छा सिरम रखें, अल्फा आर्बुटिन, नियासिनमाइड, ग्लूटाथियोन, ये बहुत कॉमन फॉर्मुलेशन है जो आपको पाकिस्तानी अच्छे ब्रांड्स के अंदर मिलती है। लेकिन हर्बल एक डिफरेंट चीज़ होती है एंड ये तमाम चीज़ें डिफरेंट होती हैं। सो किसी भी कंपनी का जब आप सर्च करते हैं पोर्टफोलियो, तो ये ज़रूर देखें कि उसके पीछे या तो कोई डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेशन हो या फिर ऐसी कंपनी हो जो कि एक ब्रांड हो या मेडिकेटेड कंपनी हो पाकिस्तान की, तो आप उसकी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। सही, और पीछे आप प्लीज़ बराए मेहरबानी जो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट होती है उसको ज़रूर पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। और पीछे एक कंपनी जब भी मैन्युफैक्चर्ड आता है तो मैन्युफैक्चर्ड बाय एक अच्छी रीनोन कंपनी का नाम भी होता है अच्छे ब्रांड्स के अंदर, अच्छे जो लोग इवन के बहुत सारे डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, उनके पीछे भी वो ब्रांड अपना वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन ऐसी लोकल प्रोडक्ट्स को ज़रूर अवॉइड करें जिसमें इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन नहीं होते, जिसमें ये भी नहीं पता होता आपको आप क्या लगा रहे हैं, पैकेजिंग से अंदाज़ा हो जाता है, खुशबू से अंदाज़ा हो जाता है, यू नो कॉस्टिंग से अंदाज़ा हो जाता है आपको बहुत सारी चीज़ों का, एग्जैक्टली। और ये ना करें कि अगर आपने ये चीज़ लगाई तो अच्छा मैं भी ये चीज़ अप्लाई कर लूँ, नहीं पता कि उनकी स्किन पे शायद वो सूट कर जाए, सस्ती चीज़ भी शायद सूट कर जाए लेकिन वो मेरी स्किन पे आके वो एक बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर दे, मेरी स्किन डैमेज कर दे, पिगमेंटेशन कर दे या फिर कुछ भी हो सकता है। और हमेशा जब आप एक लेयर लगाते हैं ना, तो आप आई एम श्योर कि हमारे पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे अच्छे लोग हैं जिन्होंने अच्छी कॉस्मेटिक्स जो है उसको अब इनिशिएट भी किया हुआ है, लेकिन अगेन कहीं ना कहीं अभी भी हमारे लैकिंग्स हैं। मैंने पर्सनली बहुत सारे रीनोन ब्रांड्स यूज़ किए हैं लेकिन मुझे प्रॉब्लम आता है जब मैं एक बाहर की जो प्रोडक्ट है, सिफोरा वगैरह के प्रोडक्ट्स हम सभी यूज़ करते आए हैं, जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं और यहाँ के हम उस पर जाते हैं तो डेफिनेटली डिफरेंस तो है, यू कैन नॉट में फर्क दिखता है, आप उसको कंपेयर या बैलेंस या तो वो जो पिछले 30-40 सालों में हमने किया है ना, अगर हमने काम किया होता और हमने वाकई तमाम चीज़ें की होती तो आई थिंक हम लोगों का आज बैन ना। लोगों ने कोशिश की है हमारा यहाँ पे भी कि वो इस तरह की प्रोडक्ट्स बना सकें, पर्सनल कोशिश की है बिल्कुल। आप देखिए जितने लोग हैं, मैं बहुत अच्छे हमारे यहाँ के ब्यूटिशियंस भी हैं जिन्होंने इस चीज़ का आगाज़ किया, लेकिन अब देखिए पर्सनल बिहाफ पे, अब वो पर्सनल बिहाफ पे जितना हो सकता है, मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने इंग्रेडिएंट्स को इंपोर्ट करते हैं, जो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलती है उसके भी तो इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट किए जाते हैं। अब यही मसला है, आप इंग्रेडिएंट्स को भी आपने बैन कर दिया, वो इम्पोर्ट नहीं हो सकते, तो बताएं ना, आपने इंडस्ट्रीज भी नहीं दी, आपने लोगों को कुछ भी नहीं दिया और एंड में आके आपने चीज़ों को बैन कर दिया, आपका तो कंट्री पीछे की तरफ जाएगा। और इंटरनेशनली हम बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पास बहुत सारे वेंडर्स हैं जो इंटरनेशनली होते हैं, इटली के बहुत सारे लोग हैं, यूरोप के बहुत सारे लोग हैं, अब हम उनको कहते हुए कितने बुरे लगते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर चीज़ें इम्पोर्ट बैन है, हम आपके साथ बिजनेस नहीं कर सकते। सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग इम्पैक्ट, एक तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आप दे रहे हैं दुनिया को, और सेकंड ये कि आप इस टाइम पे हेडलाइन बने हुए हैं दुनिया भर के इंटरनेशनल चीज़ों पे कि तो पाकिस्तान ने इम्पोर्ट के ऊपर बैन कर दिया, इट्स अ नेगेटिव इमेज आपकी जितनी। अच्छा, इतना भी नहीं हुआ है हमारा कि अगर कोई अपने साथ भी लाना चाह रहा है ना, जैसे किसी से आपने किसी पर्सनली मंगवा ले, किसी पर्सनल लगेज में रख के, तो भी साथ लाने नहीं दिया जा रहा है, इनफैक्ट चॉकलेट तक नहीं लाने दी जा रही है, कोई बाहर से कोई अपनी फैमिली आ रही है ऐसा लग रहा है। हाँ, शैम्पू चॉकलेट्स भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नो आप नहीं ला सकते किसी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए नहीं ला सकते, लाइक इतनी स्ट्रिक्टनेस क्यों आप इतना तो आप मेरा एक सवाल है वैसे, आप लोग माशाल्लाह डेली यहाँ पे, ये तमाम इम्प्लीमेंटेशन उन लोगों के लिए भी होगी जो सीट से बैठे हैं? ये सवाल तो हमारा भी है, हमारा मुझे लग रहा है कि ये सवाल यही रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन उनके लिए हो ही नहीं सकती, जैसे कि आपने कहा कि हमारा के हर किसी के पापा तो लंदन में नहीं बैठे हुए कि एक फ्लाइट पकड़ के चले जाएं। खैर बहरहाल ये चीज़ें तो ये सवाल चलता ही रहेगा, ये सवाल मेरे ख्याल से ऐसे ही रहेगा, इसका जवाब हमें नहीं मिलेगा, लेकिन थैंक यू सो मच हमारा, आपने हमें बताया कि हम लोकल भी किस तरह से चीज़ें देख के, इंग्रेडिएंट्स देख के हम प्रोडक्ट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इसी के साथ ही वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और हमने आपको एक सोल्यूशन दिया ब्यूटी सेगमेंट में, आपको बताया कि आप किस तरह से अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं और एक सोल्यूशन तो हमने आपको दे दिया ब्यूटी के बारे में बात कर ली। क्या थोड़ी सी खेल के बारे में बात हो जाए, एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है कराची में जो गली गली में, एग्जैक्टली हम ये हमेशा देखते हैं और स्पेशल रमजानों में टूर्नामेंट्स हम अक्सर देखने को मिलते हैं कि कराची की हर गली में आपको नजर आता है कि भाई कुछ लड़के जमा है बहुत सारे और टेप बॉल जो है वो मैच खेला जा रहा है, मैच खेले जा रहे हैं।
रमजानों में तो हर जगह हम घूम रहे थे नजर आता, और हमारी अपनी गलियों में, अगर मेरे घर के सामने चार गलियां हैं तो हर चौथी गली में, तीसरी गली में, दूसरी गली में आपको बच्चे लड़के मैच खेलते हुए नजर आते हैं टेप बॉल। हमारे साथ मौजूद हैं बड़े बेहतरीन से फादर एंड डॉटर, मैं आपका तारुफ करवाना चाहूंगा। जावेद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टूर्नामेंट के डायरेक्टर हैं। मानूर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी बेटी हैं, टीम ओनर हैं, जिम खाना SMS जिम खाना की मालिक हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू। टेप बॉल टूर्नामेंट, बड़े प्राइजेस भी रखे हैं आपने, टीमें भी बड़ी बड़ी हैं, जिम खाना ये वो, तो यानी स्पॉन्सर भी अच्छे खासे आ गए होंगे। PSL के लेवल का मुकाबला होने जा रहा है ये, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या तवक्कुआत हैं, वेयर डू वी स्टैंड? देखिए सूरत हाल तो ये है कि पहली क्रिकेट जो है जो बच्चा घर से बाहर निकल के खेलता है वो टेनिस और टेप बॉल ही है। जितने भी प्लेयर पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं वो सब टेप बॉल खेल के ही आगे आए, कुछ बताते हैं कुछ नहीं बताते। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह लोग ये भी कहने लगेंगे कि हम PSL ही टेप बॉल का खेल लें। इसके थोड़े से आप बताइए कि आपने जो इनामात रखे हैं, इतने बड़े बड़े प्राइजेस रखे हैं आपने, उसके बारे में बताएं कि 50 लाख का विनिंग अमाउंट रखा है आपने। जी हाँ, देखिए इसमें सिलसिला ये है कि 12 टीमें, चार टीमें बाहर से भी मधु की गई हैं, जिसमें दो टीमों की कन्फर्मेशन आ गई है, अमरीका की और नेपाल की कन्फर्मेशन आ गई है। दो टीमों की अभी बातचीत चल रही है, कैनेडा और UAE की, इंशाल्लाह वो भी एक दो दिन में कंफर्म हो जाएगा। नेशनल स्टेडियम में ये हुआ, कहीं और होगा? नहीं नहीं, ये दुनिया का पहला वो ग्राउंड जहाँ से T20 फॉर्मेट स्टार्ट हुआ है वो ईदगाह ग्राउंड नाजमाबाद है। अच्छा। जहाँ नाजमाबाद सुपर कप होता था। okay. अब दोबारा ये एक और नई इनोवेशन होने जा रही है कि टेप बॉल का आगाज भी अब उसी ग्राउंड से होने जा रहा है। सही। अच्छा, हमने हमेशा देखा है, अभी हम बात भी यही कर रहे थे कि हमने देखा है हर गली में आपको बच्चे टेप बॉल मैच खेलते हुए नजर आते हैं, लड़के खेलते हुए नजर आते हैं, तो टेप बॉल टूर्नामेंट ये बहुत, आपको नहीं लगता कितने अर्से बाद बहुत डिले हो रहा है, लाइक इतने बड़े लेवल पे, क्योंकि कभी ये चीज़ इस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस? अच्छा, हम 2009 में और 12 में ऑलरेडी 3 टूर्नामेंट लाइव करा चुके हैं, लेकिन उस वक्त ये हाइप नहीं थी उसकी, क्योंकि शायद खेलने वाले भी कम थे, स्पॉन्सरशिप भी इतनी उस पर मधु नहीं होती थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जैसे जैसे टेप बॉल की पोजीशन बढ़ती जा रही है, ग्राउंड आबाद, मार्क फोर प्रीमियर लीग भी बहुत बड़ा नाम था टेप बॉल टूर्नामेंट का, एंड आई एम श्योर वो भी हमसे पहले हो चुकी है। उसका सेकंड एडिशन होना था लेकिन किसी वजह से नहीं हुआ है। okay. लेकिन हमारी बहुत उम्मीद है कि जितने भी टेप बॉल के टूर्नामेंट हों उसमें हम भी सपोर्ट करेंगे कहीं ना कहीं, पूरे पाकिस्तान से। हम जी हाँ, हम पूरे पाकिस्तान से प्लेयर बुला रहे हैं, कम से कम 100 के करीब जो है वो पूरे पाकिस्तान से प्लेयर आपको कराची में खेलते हुए नजर आएंगे। मेरिट पे सिलेक्ट हो रही है या पर्ची पे? असल में सिलसिला ये ही फ्रेंचाइजी बेस है, जो साहब की पर्ची आएगी तो आपको लेना पड़ेगा खिलाड़ी। साहब की अगर मानून ने आपकी बेटी ने बोल दिया बाबा मुझे ये खिलाड़ी बहुत अच्छा लगता है भले इसकी परफॉर्मेंस बुरी हो तब भी आपको लेना पड़ेगा। अगर मानूर चाहेंगी और उसको बाइंग करना चाहेंगी तो बिल्कुल करें, ये इनका काम है। मानूर मैच क्रिकेट नहीं खेलता हूं पर आप मेरी बाइंग कर सकती हैं। आई डोंट माइंड। अच्छा, टेप बॉल टूर्नामेंट्स जो होते हैं लाइक ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम है, आपको लगता है कि टेप बॉल टूर्नामेंट एक प्रॉपर एक अलग स्पोर्ट्स की शक्ल इख्तियार कर सकता है? टेप बॉल मैच ये शक्ल इख्तियार कर गया है। हाँ, पहले इसको इतना सीरियस नहीं लेते थे लेकिन अब ये कर गया है। इसकी एक वजह, सब खास वजह क्या है, हर एज का आदमी, बच्चा, लेडी सब खेल सकते हैं इसमें। इसमें कोई मसला नहीं है कि किसी को लगेगी। Do we have a female side of the tournament as well? I am sitting in front of you. तो आप खेलेंगी भी? नहीं, हो सकता है, जरूर, क्यों नहीं। मानूर, आपका क्रिकेट से कैसे लगा हुआ, आपको क्रिकेट का शौक कैसे हुआ? पहली बात तो क्रिकेट has always been very close to my heart. मुझे याद है एक दफा पाकिस्तान एक वर्ल्ड कप हार गया था, इंडिया से हारा था, एक वर्ल्ड कप मैच हारा था, उस दिन मैं बहुत रोई थी, सिर्फ इसलिए रोई थी कि वो इंडिया से हारा, बस इंडिया से ना हारा। भले पूरा वर्ल्ड कप ना जीते लेकिन इंडिया से ना हारा। So what is your job description in this tournament? आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी मानूर? पहली तो सबसे बड़ी मेरी जिम्मेदारी ये होगी कि मैं अपनी टीम को लुक आफ्टर करूँ। आई बिलीव कि टीम की यूनिटी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा नहीं खेलते, लेकिन हम उन्हीं प्लेयर्स को आगे ले जाने के लिए चांसेस दे रहे हैं कि अगर वो अच्छा नहीं खेलते तो वो अपनी गलतियों से रिडीम करें, अपने बड़ों को देख के, जो उनके प्लेयर्स, जो उनकी टीम में सीनियर प्लेयर्स हैं उनको देख के अपनी गलतियाँ जो है सीखें। तो एक यूनिटी इस सेंस में हो कि जो ना टीम हर किसी हर बंदे को सपोर्ट करे, हर किसी का मेक देम वन यूनिट अ टीम रादर देन प्लेइंग सेपरेटली। लेकिन मानो मुझे एक चीज बताइए, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स भी हैं टेप बॉल सीरीज के जिनमें कुछ नाम को खुर्रम चकवाल हैं, तैमूर मिर्जा साहब हैं और भी बहुत सारे नाम हैं। सो हम ये सारे स्टार प्लेयर्स टेप बॉल के इस टूर्नामेंट में देखेंगे? इनसे ज्यादा देखेंगे, ये तो हैं ही, ये तो हैं ही, ये तो हैं ही। इसमें छोटा भी कुछ नाम बता दे, कुछ नाम बता दे जावेद भाई, व्यूअर्स के लिए। इसमें ममरान भी है, उसमें माजिद गोली भी है,
बहुत लोग मिलेंगे आपको। इंडियन टीम भी आ रही है ना इस टूर्नामेंट में। इंडियन टीम को हमने मधु किया है, लेकिन वहाँ सिर्फ एक इशू है एनओसी का। सही। उनके गवर्नमेंट अगर एनओसी दे दे तो वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। कौन कौन होंगे उसमें पार्टिसिपेट करने वाले? वो उनके इंडियन ही प्लेयर हैं। वो इस वक्त नाम बताना इसलिए मुश्किल है कि उन्होंने पहले मना किया है कि पहले हमें एनओसी का मसला हमारा हल हो जाए तो फिर हम नाम शो करेंगे। और आप बिल्कुल जैसे काफी देर से मैं ये सवाल अपने दिल में रोके बैठा हूँ और बड़े पत्थर रखे दिल पे आपसे पूछ रहा हूँ। बालों का राज क्या है आपके? मेरे बालों का राज ये है कि आपके कम हो गए, मेरे दादा हो गए। कैसे आप तो कौन सा तेल लगा रहे हैं? मैं कोई तेल नहीं लगा रहा, खास आटा है। मैं सिर्फ अच्छा सोता हूँ। माशाल्लाह। अच्छे सोने का राज क्या है? अच्छे सोने का राज ये है, टेंशन कम कर लें। हैप्पी वाइफ एंड हैप्पी लाइफ। हैप्पी वाइफ, हैप्पी लाइफ एंड हैप्पी चिल्ड्रन। ये भी कितने बच्चे हैं जावेद साहब? और सबकी टीमें अपनी अपनी हैं, सिर्फ एक ही बेटी को टीम लेके दिया? नहीं, अभी तीनों बेटियां साथ हैं। तीनों की अलग अलग टीम्स भी हैं। अभी हम जो ना नाम में भी कंफ्यूज हैं, इट्स एसएमएस जिमखाना, इट कैन बी थ्री सिस्टर्स एज़ वेल। इट कैन बी थ्री सिस्टर्स एज़ वेल, यू नेवर नो। तो ये अभी तक कॉन्फ्लिक्ट किसकी तरफ से? आप इजाजत दे रहे हैं जावेद साहब? इजाजत दें, तीनों बेटियों का नाम आएगा ना? मेरे भी तीन बच्चे हैं सर, अगर मैं किसी एक के लिए कुछ लेकर आऊँ, दो के लिए लेकर आऊँ, मुझे बहुत गालियां पड़ती हैं। जिस टीम की ऑनर ये है उसकी सारी जिम्मेदारी इन पे है। ये नाम खुद बाइंग करें, बाकी दोनों बेटियां छोटी हैं, यही शेयर करेंगी उनकी उनकी जिम्मेदारियां। फाइनलाइज हो चुकी है, कुछ प्लेयर्स हैं जो अभी जाना जिनके नाम शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ, हम चाहेंगे जानना कि मानोज की टीम के नाम बताना चाहें बताएं, क्योंकि नाम बताते हैं तो फिर दूसरे जो टीम वाले हैं वो अपने लड़के शफल करना शुरू कर देते हैं। Yes. मानूर आपकी तरफ से क्या हम सरप्राइज एक्सपेक्ट करें इस टूर्नामेंट में? मानूर ऐसा क्या करेंगी ये टूर्नामेंट को चार चांद लगा देंगी? इंशाल्लाह आप जो ना फाइनल्स में शायद मुझे और बाबा को ही साथ देख रहे होंगे। बाबा लग रहे होंगे सेरेमनी होगी ना फिनाले की, उसमें आप गाना भी गा रही होंगी, बाबा पीछे डांस कर रहे होंगे और कुछ ज्यादा कुछ सेलिब्रेशंस भी होंगी यकीनन। अगर मेरी टीम ना भी जीते तो आई एम वेरी हैप्पी कि इस टेबल को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आया जा रहा है कि वो जो है ना आगे जाके प्रमोट होगी। एंड द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द प्लेयर्स इज कि वो आगे जाके अपने आप को जो है ना और चीजों में रिप्रेजेंट करें। इस लेवल पे आप लड़कियों को कब शामिल करेंगे? एज अ गर्ल आई एम श्योर यू फील द रिस्पांसिबिलिटी टू ब्रिंग देम इन। टूर्नामेंट कब होगा? फीमेल टेबल टूर्नामेंट भी जल्दी होगा, उस पर भी जाना बाबा काम करें। लेकिन टूर्नामेंट ना हो, इसी टूर्नामेंट में आप एक एग्जीबिशन मैच रखवा दें, जस्ट टू प्रमोट एंड टेल ऑल द अदर फीमेल्स हु वांट टू प्ले कम एंड जॉइन। मैं आपको बताऊं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है ऑलरेडी तीन क्लब को कैटर करती है, जिसमें दो जो है वो मेंस है और एक फीमेल भी है। ओके, एसएमएस उनको भी एक प्लेटफॉर्म दे रही है। ऑलरेडी 20 लड़कियां हमारे साथ हैं। हम एग्जीबिशन मैच तो करा ही लेंगे, लेकिन हम भी ये चाहेंगे कि चार टीमों का कम से कम एक ऐसा ही मैच जो है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की तरफ से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट टू यू जावेद साहब। मानूर आपको बेटा बहुत मुबारक हो, 18 ईयर ओल्ड व्हिच इज गोइंग टू बी ग्रेट ग्रेट प्रोफेशनल इन द फ्यूचर आई एम श्योर, क्योंकि अभी से उन्होंने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी और अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स कराती रहेंगी इसी तरह के टेबल के। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। हमारे शो का वक्त खत्म हो गया वरदा, बिल्कुल इजाजत लेते हैं आपसे, लेकिन कल सुबह फिर मुलाकात होगी आपसे। 9 बजे देखना मत भूलिएगा दुनिया बोल है। टिल देन कल के लिए लेते हैं आपसे एक ब्रेक। अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।